नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोसी प्रमंडल से जिलेवार उसके करंट को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोसी प्रमंडल में तीन जिले हैं और आप देख सकते हैं सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा कोसी प्रमंडल के जिले हैं। अब इनको जिलेवार, इनसे अगर कोई करंट अफेयर्स के पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट इनसे अगर कनेक्ट होते हैं तो वो आप तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम सहरसा ज़िले की बात करेंगे कि सहरसा ज़िले से कौन सा पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में मेंशन में रखना चाहिए। एक तो ये राज्य का 19वां नगर निगम है, ध्यान रखेंगे 19वां नगर निगम है ये सहरसा, और बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रिएट भी है। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रिएट है तो ये दो पॉइंट्स आपका जो सहरसा जिले से कनेक्ट होता है ध्यान रखेंगे। और अगला जो जिला है वो है सुपौल। सुपौल से हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं सुपौल जिले का मैप, ये आपका। तो सुपौल से कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और सुपौल में एक तो ध्यान रखिएगा कि राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क यहाँ बनाया जा रहा है। जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया है सुपौल में। और ध्यान रखेंगे कि प्रथम अररिया में बनाया गया था और दूसरा गया में, और तीसरा ये सुपौल में बनाया गया है। दूसरा पॉइंट्स इससे ये कि राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यहीं पे बनाया गया, जल विद्युत परियोजना यहीं से संबंधित है। उस परियोजना का नाम आप जानते ही होंगे, डगमरा, डगमरा जल विद्युत परियोजना। अगर ये पूछ दे कि कहाँ से जुड़ा हुआ है डगमरा जल विद्युत परियोजना, तो निश्चित रूप से आप सुपौल आंसर लेंगे। लगभग 130 मेगावाट का ये परियोजना है। और इसके साथ एक और पॉइंट्स ऐड करें आप सुपौल से कि भारत में पुणे के बाद, भारत में पुणे के बाद दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर यहाँ खोला गया है। ध्यान रखिएगा ये दूसरा फिजिकल जो मॉडलिंग सेंटर है वो सुपौल में खोला गया है, और इससे पहले पुणे में भारत में खोला गया था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकता है। इसका काम है कि यह नदियों के प्रवाह क्षमता के अध्ययन के साथ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ इस मॉडलिंग सेंटर के बारे में कि यह नदियों के प्रवाह क्षमता के अध्ययन के साथ नदियों के आंकड़े भी एकत्र करेंगे। तो खैर, आपको जब दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पूछे कि कहाँ खोला गया इंडिया में, तो आप सुपौल के साथ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो सुपौल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है वो है कि स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार का, ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर, पहला कचरा मुक्त शहर जो बना है वो सुपौल ही बना है, ध्यान रखेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है सुपौल, ये बात ध्यान रखोगे भाई। और साथ ही जो सुपौल का सो सफाई मॉडल है,
यही पूरे बिहार राज्य में लागू है। सुपौल का ही सफाई मॉडल पूरे बिहार में लागू है, ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल आपसे कहीं पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। कोसी प्रमंडल से सुपौल के पॉइंट्स को लेके और सहरसा के पॉइंट्स को लेके हमने आपके सामने कुछ पॉइंट्स आप रखे हैं, जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ ऐड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एक जिला रह गया है मधेपुरा। मधेपुरा में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं मधेपुरा का मैप। और मधेपुरा से अगर कोई पॉइंट्स अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। वो पॉइंट्स है कि भारत का 12,000, ध्यान रखिएगा, 12,000 हॉर्स पावर, भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का सौवां इंजन, ध्यान रखिएगा, सौवां इंजन बनाया गया है यहाँ पे मधेपुरा में। और ये फ्रांस की कंपनी एल्ट्राम के द्वारा बनाया गया है, या उसके सहयोग से। फ्रांस की कंपनी है एक एल्ट्राम, जिसके सहयोग से भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का सौवां इंजन बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये कंपनी ध्यान रखिएगा, फ्रांस का एल्ट्राम। तो बहुत, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी तीन जिले थे, तीनों जिलों से कुछ कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने ही थे। तो ये आपका कोसी प्रमंडल कंप्लीट हुआ, ठीक है।